इस हिमवंत में पहले से प्राचीन काल से आर्यों के आगमन से लेके यहाँ लोगों की बस्तियाँ थी। और दूसरे हैं खस, जिनको खसों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, माने 3/4 से भी ज़्यादा होगी। मैंने कहा देखिए नदी घाटियों में यहाँ सभ्यता थी और उसका मूल कारण बद्री और केदारनाथ के मंदिर थे। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है, उसके तहत ये भी कहा जाता है कि बाहर से यहाँ पे कोई नहीं आया है, लोगों ने अपने वंश को थोड़ा उच्च वंश बताने के लिए एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं कई इतिहासकार, ऐसा बताने के लिए अपना कनेक्शन बाहर के राजवंशों से और बाहर के ब्राह्मणों से कनेक्ट किया है। उल्लेख करते हैं कि मैं नेगी हूँ, गुसाई हूँ, रावत हूँ, बिष्ट हूँ। वो नहीं जानते कि मैं बिष्ट हूँ या क्या कोई दूसरी चीज़ है। ये इस चीज़ को पुरातत्व और हिस्ट्री बताती है उनको। यहाँ खस में असली राजपूत में जो बाहर से आए उनमें पहचाना आजकल बहुत मुश्किल है। उत्तराखंड जो है, हिमालय जो है, मध्य हिमालय, बौद्ध ग्रंथों में इसको हिमालय नहीं कहते, इसको कहते हैं हिमवंत। मध्य हिमालय जिसको ज्योग्राफी में मिड सेंट्रल हिमालय बोलते हैं, मिड हिमालय बोलते हैं, सेंट्रल हिमालय ज्योग्राफी में, उसको धार्मिक दृष्टि से कहते हैं मध्य हिमालय या हिमवंत। इस हिमवंत में पहले से प्राचीन काल से आर्यों के आगमन से लेके यहाँ लोगों की बस्तियाँ थी। और कौन लोग थे वो आदि लोग कौन थे, ऐसा ये एक सामान्य प्रश्न इसके लिए ठीक नहीं है कि गढ़वाल के या उत्तराखंड के लोग कहाँ से आए। यूँ कहे कि किसके आदि निवासी कौन थे, ये ज़्यादा उचित प्रश्न होगा। उत्तराखंड के आदि निवासी दो ही थे, एक यहाँ के कृष्णवर्णी आदिम जाति जिनको आजकल दलित अनुसूचित जाति के कृष्णवर्णी जाति कहते हैं। देखिए अनुसूचित जाति शब्द रेस को प्रकट नहीं करता, मगर अगर हम कहें कि दुनिया में कितनी रेसें हैं तो कुछ आर्य रेस है, मंगोलॉइड है, निग्रोइड है, अलग रेस होते हैं, उनके हड्डियों से बालों से सब मालूम होता है कौन सी रेस है। इस रेस को प्रकट करने के लिए जिनको हम आज से पहले जिन लोगों को डोम भी कहा गया है, ये अनुसूचित जाति, दलित जाति, फलन जाति, ये रेस को प्रकट नहीं करती, ये उनकी सामाजिक स्थिति को प्रकट करती हैं, रेस नहीं। कृष्णवर्णी दास, उनको अगर रेस के रूप में कहना है हमको तो कृष्णवर्णी दास लोग हम कह सकते हैं। एक तो वह हैं यहाँ के आदि निवासी और दूसरे हैं खस, जिनको खसों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, माने 3/4 से भी ज़्यादा होगी। तो दो ही जातियाँ हैं, एक पुराने कृष्णवर्णी दास लोग और ये खस लोग यहाँ के आदि निवासी हैं, और हजारों वर्षों तक यही लोग यहाँ रहे। और बाद में जबकि संचार के साधनों का या मोबिलाइजेशन और ऐसे माइग्रेशन इसका कुछ बढ़ गया सभ्यता के साथ साथ, तो भारत के दूसरे प्रदेशों से भी कुछ जातियाँ
उत्तराखंड में आई, लेकिन ये बहुत लेट है, मध्यकाल में आई है, मध्यकाल में आई है ये। कोई यहाँ के राजा के यहाँ सेवा करते थे, कोई तीर्थ यात्रा में आई, यहीं रम गए, वो बस गए, विभिन्न प्रकार की आस्थाओं को लेकर यहाँ पर कुछ वाणिज्य के रूप में आए, कुछ फलाने आए, जैसे जैन लोग हैं, जैन लोग तो वाणिज्य के रूप में आए हैं। तो ऐसी बहुत सी जातियाँ आपने टेरी वगैरह में देखा होगा, उस चंद्रवदनी के नज़दीक वो कुछ मुसलमानों के भी गांव हैं, तो मनिहार के रूप में आए थे जो राजा के यहाँ जो चूड़ियाँ वगैरह उनके लिए। तो मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार से लोग इस इनफ्लक्स होते रहे, भीतर को आते रहे, और उनका ये मध्यकाल की बात है। लेकिन हमारे प्राचीन काल में यहाँ दो जातियाँ थीं, और मध्यकाल में यहाँ ब्राह्मण, बहुत सी ब्राह्मण जातियाँ आई, बहुत ही राजपूत जातियाँ आई। अब ये तो इतिहास का विषय है और इसमें बहुत ज़्यादा मतैक्य नहीं है, मत भिन्नता है। इतिहासकार, असल में इतिहासकार भी वो लिखता है जो लोग बताते हैं, लोगों का जो अपना विश्वास है। और सामान्य तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सवर्ण ब्राह्मण और ठाकुर तो जातियाँ यहाँ पर सवर्ण जातियाँ हैं, वो अपने आप को, प्रायः सभी उच्च जातियाँ अपने आप को बाहर से आया हुआ बताती हैं, राजस्थान, गुजरात और मैदानी इलाकों से। और उसी तरह की ब्राह्मण जातियाँ भी अपने को बाहर से आया हुआ बताती हैं, और इतिहासकार भी इस तरह की बातें लिखते हैं। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है, उसके तहत ये भी कहा जाता है कि बाहर से यहाँ पे कोई नहीं आया है, लोगों ने अपने वंश को थोड़ा उच्च वंश बताने के लिए, एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं कई इतिहासकार, ऐसा बताने के लिए अपना कनेक्शन बाहर के राजवंशों से और बाहर के ब्राह्मणों से कनेक्ट किया है। लेकिन इसमें अभी मतभिन्नता है, कुछ लोग अलग अलग तरह की थ्योरियां आती हैं। जैसे भजन सिंह सिंह तो कहते हैं कि आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय ही रहा है। कुछ लोग जैसे जो इतिहासकार हैं वो मध्य हिमालय से आया हुआ बताते हैं और वहीं से फिर यहाँ आया हुआ बताते हैं। ये भी एक थ्योरी है कि मध्य हिमालय से उत्तराखंड के रास्ते वो लोग आए। लेकिन दूसरे तरह का मत ये भी है कि नहीं, आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ के मूल निवासी अपने को मानते हैं और इतिहासकार भी मानते हैं। तो ये इस तरह की इतिहास की ये थ्योरियाँ हैं जी। मेरी सहमति इससे इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जिसको आप, जिनको आप खस भी बताते हैं, क्योंकि आप ताम्रपत्रों का अध्ययन करें शांति से, फिर आपको अच्छा लगेगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ परिवारों के, क्योंकि उनके बारे में क्लियर कट बोला जाता है कि वो खस हैं, लेकिन वो जो है उनके पास राज्य के सबसे ऊँचे पदों में से एक थे, उनके पास जमींदारियाँ थी। तो जिसको खस कहा जाता है, मैं कहूँगा खस एक गाली से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आप खस बोलते हैं तो खस जो है वो बेसिकली ये है कि खस और असल जात, जो हमारे यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया है कि एक असल जात है और एक खस है, तो वो ब्राह्मणों में भी है, राजपूतों में भी है, तो चार तो डिवीज़न वैसे ही हो गए। तो आप जब बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास जो है राजा के समान सामने उनके पास पद नहीं थे या ऐसा है। ये सब जो है कतिपय एक विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा रही है, जिसने हमारे यहाँ कोशिश की है अलगाव पैदा करने की। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि उनके बीच में वैवाहिक संबंध नहीं होते थे, ये मैं मना नहीं कर रहा, मैं आज भी कहूँगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि उन लोगों के बीच में आपस में भेदभाव होता तो वो बड़ा कठिन हो जाता है। मैं उसकी बात करूँगा, कुमाऊँ की बात करूँगा, हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही है। तो कुमाऊँ में भी आप महारा फर्तियालों की बात करते हैं तो उसमें एक परिवार को खस बताया जाता है, दूसरे को असल जात बताया जाता है। लेकिन क्या आपने उसमें भेदभाव देखा है? मेरे को तो नहीं लगा। महारा और फर्तियाल ऊँचे उसमें ही गिने जाते हैं जमींदारों में, जिनके पास हर जगह जमीन है, गुटों के नाम ही उनके नाम पे हैं। इससे ज़्यादा मैं कहूँगा धड़ा बोलते हैं उनके यहाँ कुमाऊनी में। और इसी तरह मैं गढ़वाल में भी बोलूँगा, खुंद की बात करते हैं तो खुंदों में कई बार असल राजपूत भी नेता होता है, कई बार ब्राह्मण भी नेता होते हैं, कई बार क्योंकि देवता जिसको चुनता है। खुंद जो हमारे यहाँ तलवार का गुट था, जो गांव की सबसे शक्तिशाली यूनिट है, राजाओं के लिए तलवारें इकट्ठी करने वाला जो गुट रहा है खुंद, हम तो खुंद ही बोलते हैं, खुंद का एक देवता होता है जो पूजा करने के लिए होता है। आप मुझे बताएं कि क्या खुंदों में कभी क्या भेदभाव हुआ है जाति वाइज? मैं तो नहीं मानता, वो अलग बात है।
पर हाँ कुछ लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के कोशिश किया, कुछ लोग इंग्लैंड से आके पढ़ के आए तो उन्होंने उस वहीं की थ्योरम यहाँ पे लगाने की कोशिश किया। समाज अलग अलग होता है, मैं यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि खस का अर्थ एक जो है वो है स्खलित से आया, जो नीचे गिरा हुआ। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप वो आप उसको किसी को गाली देने के लिए या फिर किसी सेंस में बोलने के लिए बोल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई सचमुच में वो स्थिति थी कि हम बार बार उनसे के साथ भेदभाव करते थे या जो भी था। वो कहानी जो है बनाई गई है, क्योंकि भेदभाव करने की भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ है वगैरह है, आगे पूजा कौन करेगा, अग्नि पूजा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, अग्नि पूजाई। तो जब देवताओं की पूजा होती है तो क्या खसों के साथ भेदभाव होता था? अगर आप जब उसकी बात करते हैं, किसकी, जब आप हम उसकी बात करते हैं किसी भी मंदिर की पूजा के टाइम पे, तो मैं उसको नहीं मानता, मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे नहीं लगता, मैं वो बहुत कहना चाहूँगा। तो मुद्दा ये है कि आप लोग बार बार उन चीज़ों को उठाते हैं। आप जो ध्वजादान होता है हमारे यहाँ बिखौती के दिन, तो बिखौती के दिन क्या ध्वजादान करते हुए देवता भेदभाव करता है कि कोई खस है या असल जात है? मेरे को तो नहीं दिखा। ध्वजादान की है नियम, मैं मना नहीं कर रहा, ध्वजादान के नियम है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें बारियाँ लगती हैं, अगली 12 और 15 साल की तक की भी बारियां कंफर्म्ड होती हैं। अगर आप बड़े गांवों की बात करें, छोटे गांवों में तो खैर होता ही नहीं ऐसा परेशानी, वहां तो 4-5 लोग होते हैं, हर एक की बारी होती है, 5 साल में हर एक की बारी आ जाती है। पर जो बड़े गांव भी है तो वहां 12 या 15 राठ हैं, राठ बोलते हैं हम लोग, कि मतलब एक पूर्वज से जो उत्पत्ति वाले लोग हैं, तो उन लोगों में आपस में ऐसा तो कोई हुआ है नहीं, 12-15 साल में सबके नंबर आते हैं। पर मैंने कभी ये नहीं देखा कि खस वालों में या किसी के साथ ऐसा भेदभाव किया गया या कुछ हुआ ऐसा। युद्ध लड़ते हुए भी जब आप फौजदारी दे रहे हैं राजा की, तो राजा की फौजदारी अधिकांशतः योग्यता पे ही है, कुछ हद तक परिवार के कि इन्हें मिल रखा था पहले वो दिया जाता है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि खस और उसमें असल जात में कोई भेदभाव है परमानेंट। देखिए, जहाँ तक गढ़वाल में कास्ट यानी जातियाँ का प्रश्न है, स्वयं जो लोग अपनी कास्ट का उल्लेख करते हैं कि मैं नेगी हूँ, गुसाई हूँ, रावत हूँ, बिष्ट हूँ, वो नहीं जानते कि मैं बिष्ट हूँ या क्या कोई दूसरी चीज़ है। ये इस चीज़ को पुरातत्व और हिस्ट्री बताती है उनको। अभी हम कई लोगों को समझाते हैं कि देखिए, कोई नेगी जो है वो जाति का नाम नहीं है, गुसाई जाति का नाम नहीं है, रावत जाति का नाम नहीं है, रावत पदवी है, गढ़वाल के राजा के द्वारा दी गई पदवियां हैं, लेकिन उसकी जाति वो है जो उसके पूर्व वाला शब्द है, जैसे पुंडीर नेगी, कंडारी गुसाई, काला भंडारी, वो जो उससे पहले वाले शब्द हैं वो जाति शब्द हैं। ये गढ़वाल में राजा के यहाँ जो भंडार गृह में जो प्रशासन में मिलती उसमें अलग अलग काम करते थे, उनको नेगी रावत आदि पदवी दी गई, ये जाति शब्द नहीं है। लेकिन उस समय इसका इसको कहना इतना महत्वपूर्ण था कि कौन है साहब, नेगी जी हैं, साहब रावत जी हैं, क्योंकि वो उस पद पर उस काम करते थे और उसके पीछे उनकी जाति छिप गई। देखिए, कुछ प्रसंग तो ऐसे हैं कि उन पर ज़्यादा चर्चा करना भी आजकल फजूल सा लगता है, कोई सुनना भी नहीं चाहता। यहाँ खस में असली राजपूत में जो बाहर से आए उनमें पहचान आजकल बहुत मुश्किल है। मैं जब बिनसर मंदिर में गया तो पीठ शरण में लोगों ने कहा, मैंने कहा पुजारी कौन है, बोले साहब वहाँ पर एक हयात राम है, वो हयात सिंह भी कहते हैं उनको, देखो हयात राम और हयात सिंह है। तो ऐसा मैंने कहा क्यों, मतलब जब पूजा करते हैं तो हयात राम हो जाते हैं, असली में हम सब लोग हयात सिंह कहते हैं। ये खस लोग थे जो ना सिंह थे ना राम थे, ना ब्राह्मण थे ना राजपूत थे, वो यहाँ के खस थे, वो जनेऊ धारण नहीं करते थे, उनका भात का जो शुचिता होती है वो नहीं थी, वो कहीं भी भात वगैरह खा लेते थे, और विशेषकर शिव मंदिरों के पुजारी होते थे। वो जो हयात सिंह की मैंने बात की, वो उन सारे खस लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खस लोग यहीं हमारे बीच में हैं, लेकिन वो उनका असली स्वरूप छिप गया है, कुछ कुछ पॉकेट में, कुछ कुछ अंचलों में वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे राट क्षेत्र है उधर, जौनसार क्षेत्र है, वो खस लोग वो साफ दिखाई देते हैं, और किसी में उनका इतना सम्मिश्रण हो चुका है कि उनको पहचाना
मुश्किल हो गया है। अभी मेरी नई पुस्तक जो आ रही है उसमें आप देखेंगे मैंने लिखा है कि आजकल असली भट्ट और भंडारी को पहचाना मुश्किल है, जातियों का सम्मिश्रण हो गया है, समझ गए। यहाँ खास लोग हैं वो जो पंजाई लोग हैं जो कि डांडी डोला वो ले जाते थे बड़े लोगों का, वो सब खास थे। यहाँ शिव मंदिर के सब खास थे, समझ गए। आज उन लोगों ने अपनी जातियाँ बदल दी हैं, कोई सकलानी हो गए हैं, कोई चतुर्वेदी हो गए हैं, कोई पंत हो गए हैं। अब आज ये अप्रासंगिक चीज़ हो गई है और इस पर ज़्यादा मत्ती बच्ची करना बहुत बेकार है।